हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए थ्योरी चैप्टर को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एग्जामिनेशन के लिए। जहां भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी पूछी जाती है तो वहां ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये है हमारे पास में एरिक इरिक्सन की थ्योरी। अब क्या है इस थ्योरी में और क्या क्या इसके चरण है, सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो उत्तराखंड टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो भाई, काफी आसान तरीके से फिगर्स की मदद से मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस दी हैं एरिक इरिक्सन ने, और एरिक इरिक्सन का जो सिद्धांत है वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है समझने के लिए। लेकिन मैं आसान ट्रिक के माध्यम से, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ डायग्राम्स पिक्चर्स का यूज किया है और कुछ ईजी पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार देखने पर समझ में आ जाएगी एरिक इरिक्सन की सारी थ्योरी। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे दिए गए लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो। जितने भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो सारे के सारे आप बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, बाय करके ये इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलती रहेंगी आगे भी। स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर, जिसमें आज हम समझने वाले हैं एरिक इरिक्सन के बारे में। एरिक इरिक्सन किस प्रकार का सिद्धांत है, सबसे पहले क्वेश्चन यहां से बनता है कि एरिक इरिक्सन ने किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। तो एरिक इरिक्सन का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो जो बेस करता है वो मनोसामाजिक संकट को, या फिर आप बोल सकते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको, अगर आपसे पूछा जाता है किस प्रकार का इनका थ्योरी है, तो ये है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास करना। साइको सोशल यानी कि मनोसामाजिक विकास की बात की गई है। अब समझते हैं भाई, एरिक इरिक्सन ने जो मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत है उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं। ये 1902 से लेके 1994 तक इनका कार्यकाल रहा है भाई, इनकी यानी कि जो जन्म हुआ था एरिक इरिक्सन का, वो 1902 से 1994 तक इनकी मृत्यु हुई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक थे भाई, जिनका जिन्होंने व्यक्तित्व विकास को समझने के लिए कैसी थ्योरी दी है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसी के बारे में बात कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात करी है। अब एरिक इरिक्सन का मानना था भाई, जो मानव विकास है, जो मनुष्य का विकास है, वो निरंतर एक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता रहता है, जब तक कि व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक कि मृत्यु होती है किसी भी मनुष्य की, तो वो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाला विकास है। अब उस विकास को किस तरीके से इन्होंने बताया है, अलग अलग एजेस में इन्होंने बताया कि अगर बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक डेथ होती है, उसको इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप में डिफाइन करके व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को 8 चरणों के माध्यम में इन्होंने विभाजित किया है। अब सबसे पहले बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि एरिक इरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट में कितने चरण दिए गए, कितनी स्टेजेस हैं, तो अगर बात की जाए एरिक इरिक्सन की, तो इसमें 8 स्टेज दी गई है भाई। और इन 8 स्टेज के बारे में अभी हम बात करेंगे, कौन कौन सी स्टेज क्या बता रही है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्लियर हो गई, इनके जो व्यक्तित्व विकास जो इन्होंने दी है वो 8 चरणों में विभाजित किया, और प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक मनोसंकट का सामना करना पड़ा है भाई। हर एक जो भी स्टेज इन्होंने डिफाइन करी है ना, उसमें व्यक्ति के सामने कोई ना कोई ऐसा संकट है जिसको व्यक्ति सोच रहा है कि क्या मैं इस चीज को करूंगा तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। तो इस प्रकार के जो जीवन पर्यंत चलने वाले जो संकट होते हैं, जो दुविधाएं होती हैं व्यक्तित्व की, उसके बारे में जहाँ पर एरिक इरिक्सन ने डिस्कस किया। तो ये 8 चरणों के बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, इनका जो डेवलपमेंट है ये कैसे, किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट थे, किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, ये विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन, एरिक इरिक्सन के बारे में बात करिए, इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट दिया है जो समाज के और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं में विकास करता है। जो इनका थ्योरी है भाई, एरिक इरिक्सन की जो थ्योरी है वो मनोसामाजिक यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करिएगा ना, साइको सोशल यानी कि सोशल का मतलब सामाजिक, सामाजिक धारणा, मनोसामाजिक यानी कि मन में आपके समाज के साथ साथ किस प्रकार की धारणाएं चल रही हैं, संस्कृति से भी रिलेट कर रहा है वो, कल्चर से भी रिलेट कर रहा है। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या बोला गया भाई, साइको सोशल डेवलपमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे भाई। अब देखो एरिक इरिक्सन के जो 8 चरण है मनोसामाजिक थ्योरी के, मनोसामाजिक डेवलपमेंट के जो 8 चरण है, उसमें से पहला चरण हमारे सामने है विश्वास बनाम अविश्वास।
क्या बोला जा रहा है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई। चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना इस क्लास को। पहला जो आपका मानव सामाजिक विकास यानी कि एरिक्रिक्शन की जो पहला स्टेज है, इसको क्या बोलते हैं भाई, स्टेज फर्स्ट बोलते हैं, जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इस प्रकार के जो ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट जो स्टेज वन होती है, उसमें जो आयु समूह रखा गया है, वो जन्म से लेकर 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो भाई इस स्टेज में आते हैं एरिक एरिक्सन। अब मैंने आपको बताया था ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्होंने व्यक्तित्व विकास की थ्योरी को समझाया है। तो आप देखो, जन्म से 1 साल तक का बच्चा, अब उसमें किस प्रकार की दुविधा होती है, मुख्य प्रश्न जो उठता है जब बच्चा दुनिया में आता है, क्या ये दुनिया सुरक्षित है? तो बच्चा भाई देखो क्या देखता है, सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखता है, अपनी सुरक्षा देखता है। और वो उसको कैसे समझ में आती है, जो उसके आसपास लोग हैं उनको वो एहसास करके देखता है कि क्या इन लोगों के साथ में सुरक्षित हूं। तो देखो इस वाले चरण में जो का जो महत्व है वो ये है कि इस चरण में शिशु जो भी बच्चा है अपने आसपास के लोगों को, खासकर माता पिता हो गए या जो भी उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति विश्वास या अविश्वास रखता है। अब देखो बच्चा इतना छोटा है लेकिन फिर भी अपने आसपास के जो लोग हैं, चाहे उसके माता पिता हों या फिर जो भी उसकी केयर टेकिंग कर रहे हैं, जो भी उसका संरक्षण कर रहे हैं, उनसे उसको दो दो यहाँ पर क्या चीजें मिल रही हैं, या तो उनके प्रति विश्वास मिल रहा है और या फिर अविश्वास मिल रहा है। तो देखो दुविधा आ गई ना, इसी के बारे में एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है भाई। सारे चरण में आपको दुविधा मिलेगी, इसी को हम बोल रहे हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। तो शिशु की जो बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे भोजन हो गया, देखभाल हो गया, स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, अगर इस प्रकार की जो बच्चे की आवश्यकताएं अगर पूरी हो रही हैं, तो बच्चे में क्या आ जाएगा भाई, विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अगर उसके माता पिता उसकी केयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्यार कर रहे हैं, तो बच्चा उनके प्रति क्या रखेगा, स्नेह रखेगा, विश्वास रखेगा, वो सोचेगा कि हाँ भाई ये चीज सही है, इनका इनसे मेरे को संरक्षण मिल रहा है। अन्यथा अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है बच्चे के अंतर्गत, यानी कि जब बच्चा किसी नए लोगों के पास, आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा है और उसको कोई और व्यक्ति गोदी में ले लेता है, तो वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे उस व्यक्ति से अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस फिगर से आप समझ सकते हो, देखो स्टेज वन है, कहां से स्टार्ट होती है, इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब जो भी बर्थ लेने के से टाइम से लेके 18 मंथ का जो समय होता है उसे हम इन्फेंसी बोलते हैं, 0 से 18 मंथ का समय। तो इसमें क्या है भाई, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, कौन सी स्टेज की बात हो रही है, स्टेज फर्स्ट है ये। अब इसमें वर्च्यू यानी कि इस स्टेज का मुख्य गुण क्या होता है, होप। होप यानी कि उम्मीद, उम्मीद होती है, ठीक है, उम्मीद होती है। अब उम्मीद किससे होगी, पेरेंट्स से होगी बच्चों को। अब देखो ये पेरेंट्स हैं, यहाँ पर बच्चा है, तो बच्चे क्या सोच रहा है कि शुड आई ट्रस्ट दीज टू पीपल, यानी कि क्या मैं इन दोनों लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ। और बच्चा विश्वास कैसे करेगा, जब माता पिता बच्चे को संरक्षण देंगे, प्यार देंगे, खाना पीना देंगे, उसकी केयर टेकिंग करेंगे, तो बच्चे में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, नहीं तो अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। आई होप स्टेज वन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, स्टेज टू आती है एरिक एरिक्सन की, स्वायत्ता बनाम संकोच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब देखो स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, जिसको ऑटोनॉमी भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या आती है इसमें वर्सेस, देखो दो दुविधा है ना, तो दो चीजों का उपयोग किया है हमेशा एरिक एरिक्सन ने अपने स्टेजेस को डिफाइन करने के। अब जो सेकंड स्टेज है, इसमें आयु कौन सी है, 1 से 3 साल तक के जो भी आयु समूह होते हैं उसको इन्होंने सम्मिलित किया है। अब इसका मुख्य प्रश्न, इसमें मुख्य संकट क्या रहता है इस प्रकार इस चरण में, कि क्या मैं स्वयं से चीजें कर सकता हूं, तो इस प्रकार का बच्चे के मन में प्रश्न उठता है जब इस एज में बच्चा होता है, तो 1 से 3 साल तक की एज में बच्चा होता है, तो वो सोचता है कि क्या मैं चीजों को अपने आप कर सकता हूँ। अब इस चरण का जो मुख्य महत्व है, जो आप समझ सकते हैं इसको कैसे समझेंगे, कि इस चरण में बच्चा स्वतंत्रता की भावना विकसित करना चाहता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता, उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं का अनुभव होता है, जैसे वो चल सकता है, बोल सकता है या खुद से खाना खा सकता है। यदि माता पिता बच्चे को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का अनुभव कराने का अवसर देते हैं, तो बच्चे क्या फील करते हैं, स्वतंत्रता की भावना बच्चों के अंदर विकसित हो जाती है। अन्यथा दूसरा पहलू भी आ जाता है, अगर इस प्रकार की कंडीशन नहीं हुई तो बच्चे में दूसरा पहलू क्या आ जाएगा, बच्चा संकोच करने लगेगा, संदेह की भावना बच्चे के अंदर
उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है साइको सोशल, कि अगर एक कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी। तभी यहाँ लिखा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, कि अगर बच्चे को स्वतंत्रता नहीं मिली है उसकी गतिविधि करने में, तो बच्चे में दूसरी चीज क्या आ जाएगी, शेम आ जाएगी, यानी कि संकोच आ जाएगा, संदेह उत्पन्न हो जाएगा। कौन सी वर्ष की बात हो रही है, ये 1 से 3 साल तक की वर्ष में स्टेज टू आएगा हमारा। स्टेज टू जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, इसमें 18 मंथ से बच्चा 3 साल तक का होता है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो गतिविधि कर रहे हैं। अब इनको क्या मिल रहा है, फ्रीडम मिल रही है, यहाँ पर बच्चे गतिविधि आधारित हो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है। अगर इस प्रकार की गतिविधि बच्चे कर पा रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, 3 साल तक के बच्चों की बात हो रही है, तो भाई ये क्या है भाई, ये पूरे आत्मविश्वास से भर जाएंगे। अन्यथा इनमें क्या आ जाएगी, शेम आ जाएगी। ये देखो बच्चे में शेम आ जाएगी, संकुचाहट आ जाएगी, बच्चा पढ़ाई में भी नहीं काम करेगा ना ही गतिविधि में काम करेगा। तो ये एक कैरेक्टर होता है स्टेज टू जो एरिक एरिक्सन ने डिफाइन किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेज नंबर थ्री। अब स्टेज थ्री हमें क्या बोल रही है, उद्योग बनाम अपराध बोध, जिसको क्या बोल रहे हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट बोला जा रहा है इसको, ठीक है। अब इसमें कौन सा समूह आता है भाई, इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक के जो बच्चों का समूह होता है, यानी कि जब बच्चा 3 से 6 साल की वर्ष की आयु में होता है, तो उसमें मुख्य प्रश्न क्या उठता है, क्या मेन रीजन रहता है, कि क्या मैं सक्रिय हूं, क्या मैं एक एक्टिव बच्चा हूं, ठीक है, या रचनात्मकता मेरे अंदर आ सकती है, अरे मैं रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिव हो सकता हूं, मैं एक्टिव हो सकता हूं। तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चे के दिमाग में आते हैं। अब इस चरण में बच्चों में क्या आती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ठीक है, कल्पनाशीलता का विकास होता है, और नई गतिविधि की पहल करता है बच्चा, और रचनात्मकता अपनी दिखाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस उम्र के बच्चों में। अगर बच्चा इस तरीके से कर पा रहा है, यदि बच्चा गतिविधि को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बच्चे की गतिविधि को प्रमोट किया जा रहा है, तो वह आत्मविश्वास से भरपूर होता है। अन्यथा उसमें अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है। वर्स गिल्ट बोला था ना, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव यानी कि बच्चा जो है गतिविधि में रचनात्मकता में भाग लेना चाहता है, रचनात्मकता को बच्चे के प्रमोट करना चाहिए, या फिर उसको गतिविधि के लिए, एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर वो एक्टिविटी करता तो बच्चे के अंदर खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक आत्मविश्वास भर जाता है। अन्यथा बच्चा जो है गिल्ट में रह जाता है, अपराध बोध की भावना में रह जाता है। इसको हम समझते हैं स्टेज थ्री। इसको इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, जो 3 से 6 साल तक की अवस्था होती है। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज थ्री है। अब इसका वर्च्यू क्या है, इस स्टेज का जो वर्च्यू है वो क्या है भाई, गुण। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, कि इस स्टेज का क्या गुण है, एक मुख्य उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, कोई ना कोई एक एम होता है बच्चे का इस आयु में। अगर वो एम या पर्पस पूरा हो जाता है तो बच्चे में आत्मविश्वास भर जाता है, अदरवाइज क्या हो जाता है, बच्चे में फेलियर आ जाता है, गिल्ट। गिल्ट क्या है, एक प्रकार का कि बच्चा सोचता है कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं ये काम नहीं कर पाया। जैसे स्पोर्ट्स की बात कर लो, अगर बच्चा खेलने के लिए जब जाता है, तो बच्चा चाहता है कि मैं खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शित करूं, अपने आप को एक्टिव दिखाऊं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके अंदर फिर फेलियर आ जाता है, कि नहीं यार मैं ये गेम नहीं खेल सकता हूँ। अगर उसे खेलने के लिए भी कहा जाए ना, फिर तो वो खेलता ही नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो दूसरा गेम ट्राई करता हूँ। अगर दूसरे गेम में भी बच्चा को प्रोत्साहन नहीं मिला, तो वो उसमें क्या है, फिर से गिल्ट की भावना आ जाएगी। तो इस एज ग्रुप में इस इनिशिएटिव, भाई इनिशिएटिव तो लेता है बच्चा, खेलना तो चाहता है, लेकिन अगर वो खेल नहीं पाया किसी भी कारणवश, उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिला, तो वो फिर गिल्ट वाली कंडीशन में चला जाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में, उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी। और ये कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर आ गई यहाँ पर हमारे पास 4। अब इसमें कौन सा आयु समूह आता है, 6 से 12 साल तक का आयु समूह इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसमें मुख्य इसका जो प्रश्न होता है, जो सबसे बड़ा जो कारण होता है, क्या मैं सक्षम हूं। देखो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से आप पहचान सकते हो कि कौन सी कंडीशन की बात हो रही है, कौन सी स्टेज की बात हो रही है, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की कौन सी थ्योरी की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इस चरण में बच्चे का ध्यान स्कूल पर होता है, दोस्तों के साथ होता है, सामाजिक गतिविधि की ओर केंद्रित होता है। अगर बच्चे को अपनी योग्यता और कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है, तो वह उद्योग का मतलब क्या है यहाँ पर, मेहनत की भावना उसके अंतर्गत विकसित हो जाती है। यानी कि 6 से 12 साल तक का जब बच्चा होता है, अगर स्कूल में जा रहा है बच्चा, वो स्कूल में उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, यानी कि वो पढ़ाई कर रहा है, उसको अच्छे ग्रेड मिल रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, और ज्यादा मेहनत करेगा। क्यों करेगा भाई, अपनी एक छाप बनाने के लिए, ठीक है। उसमें क्या आ गया,
उसमें भाई मेहनत की भावना यानी कि कार्य को करने की भावना विकसित हो जाती है। यदि उसे असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, हीनता की भावना आ जाती है, इन्फीरियरिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्टेज नंबर 4। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, स्कूल एज बोलते हैं इसमें, 6 से 12 साल या 6 से 11 साल की अवस्था। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, उद्योग का मतलब, यहाँ पर मेहनत के टर्म में बात की गई है। इन्फीरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरिटी स्टेज 4 हो गई। वर्च्यू क्या है, इस वाले स्टेज का गुण क्या है, मुख्यतः कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब कि एक प्रतियोगिता करना या फिर अपने आप को अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करना। तो यहाँ पर अगर बच्चा A+ ग्रेड लेके आता है तो वो क्या हो जाता है भाई, आगे कार्य करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित हो जाता है, अदरवाइज उसमें इन्फीरियरिटी, हीनता की भावना आ जाती है। तो ये भाई स्टेजेस हैं, ये चरण हैं। हर एक एज ग्रुप में इस प्रकार के चरण आते हैं, उन्हीं को ही एरिक एरिक्सन ने डिफाइन किया है। अब देखो पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे ने केवल भाई एडोल सेंस तक की बात करी है, बट एरिक एरिक्सन ने जो है जीवन से लेकर मृत्यु तक के चरण की बात करी है, कि क्या क्या दुविधाएं जो है एक व्यक्तित्व की पर्सनालिटी में आती है, यानी कि एक व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत देखे जाते हैं। आगे बढ़े भाई, स्टेज नंबर आगे हमारे पास 5। अब इसमें क्या, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, जिसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब इसमें कौन से ग्रुप आएगा, यानी कि 12 साल से 18 साल तक के बच्चे, जिनको हम किशोरावस्था एडोल सेंस भी बोलते हैं, एडोल सेंस आंधी तूफान की अवस्था जिसको पियाजे ने बोला है। तो इसमें बच्चा क्या चाहता है, अपनी एक भूमिका बनाना चाहता है, अपनी एक समाज में एक पहचान बनाना चाहता है। उसका मुख्य प्रश्न होता है कि भाई मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है और अपनी पहचान भी बनाने की कोशिश करता है। इस चरण में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है भाई, ये 12 से 18 साल तक की एज ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस एज में बच्चा क्या करता है, अपनी पहचान और समाज में अपनी भूमिका को खोजता है। यदि व्यक्ति इस चरण में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बना लेता है तो उसमें आत्मविश्वास आ जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, मोटिवेटेड फील करेगा, अपने आप को स्वीकार करेगा समाज के अंतर्गत, ठीक है। अन्यथा वो अपनी भूमिका को कभी पहचान ही नहीं पाएगा कि समाज में मेरी क्या भूमिका है, तो उसका क्या रोल है समाज के लिए, उसका क्या रोल है। तो इस प्रकार का क्या रहेगा, रोल कंफ्यूजन रहेगा, कि उसे पता ही नहीं चलेगा मैं समाज में क्यों आया हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो अब ये कंडीशन कब अराइज होती है, जब बच्चे को सक्सेस नहीं मिलती है किस चीज में, अपनी भूमिका को पहचानने में, समाज में अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में। तो ये हो गई बात। तो स्टेज 5 क्या है, एडोलसेंस है, आंधी तूफान की अवस्था है। अब इसमें देखो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में क्या है, देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें से बच्चे को समझना है, अगर वो समझ जाता है कि हाँ भाई मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस स्टडी करना है या फिर मुझे अपना क्या करना है, अपना कैरियर सेट करना है, इसी एज में तो समझ में आता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, ठीक है, या फिर मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर इन चीजों को बच्चा समझ जाता है समाज के अंतर्गत, तो वो क्या हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है भाई, बच्चा अपने कार्य करने की दिशा पकड़ लेता है। अदरवाइज बच्चा ये सोचता रहता है भाई क्या पर्पज है लाइफ का, क्या करना है जी के, आगे जाके क्या होगा। तो इन स्थितियों में ही बच्चा उलझा रहता है, रोल कंफ्यूजन इन्हें बोलते हैं, कि भाई मेरी भूमिका क्या है, इसी में ही उलझा रहेगा, अदरवाइज अपनी आइडेंटिटी को पहचान लेगा बच्चा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नहीं स्टेज आती है 6 एरिक एरिक्सन की। अब स्टेज 6 में क्या बोल रहा है भाई, स्टेज 6 बोलती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मित्रता बनाम एकाकीपन। अब इसको आप अपनी लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली पहचान पाएंगे। अब 18 से 40 साल तक की जो एज ग्रुप होता है, जिसको युवा वयस्क बोलते हैं, तो उसका मुख्य प्रश्न होता है क्या मैं प्यार और संबंध बना सकता हूँ। अब वो चाहता है कि भाई अपना रिलेशन बनाए, अपने संबंध बनाए, जिसको वो प्यार करता है, तो उसकी तरफ अप्रोच करना चाहता है इस स्थिति में, इस वाली एज ग्रुप में, ठीक है, जिसमें आपकी मैरिज आ गया है ना, लव आ गया, फैमिली आ गई, तो उसकी बात की जा रही है कि इस चरण में व्यक्ति संबंध बनाने और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने की क्या करता है भाई, प्रयास में रहता है। यदि वह सफल हो जाता है अपना संबंध बनाने में और सामाजिक संबंध, अपनी फ्रेंडशिप बनाने में, तो मित्रता और साझेदारी की भावना उसमें विकसित हो जाती है, अन्यथा एकाकीपन आ जाता है, अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। दो देखो, दो कंडीशन बताई है एरिक एरिक्सन ने हर एक स्टेज में। इसमें क्या है, अगर जो भी इस स्टेज में है वो अपनी रिलेशन बना लेता है, अपने लव को डेवलप कर लेता है, मैरिज वाली कंडीशन में पहुंच जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, या तो वो अपने फ्रेंड्स बना लेगा, फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, साझेदारी की भावना विकसित हो जाती है। अगर वो भाई
लव किसी के अपने पार्टनर के साथ है तो भी उसके साथ साझेदारी होगी, मैरिज में है तो भी वो अपने पार्टनर के साथ में है, ठीक है, रिलेशन रिश्तेदारों के साथ में है तो भी साझेदारी होगी। तो यहाँ पर क्या है, मित्रता और साझेदारी की भावना हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा व्यक्ति, उसमें अलगाव यानी कि दूसरों से दूर रहने की, दूसरों से रिश्ता ना बनाने की कंडीशन यहाँ पर भावना उत्पन्न हो जाएगी। ये स्टेज 6 में कहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, यंग अडल्टहुड बोलते हैं, या 18 से 40 साल तक की अवस्था को बोला है ऋतिक रिक्शन ने, जिसको इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन यानी कि अलगाव, अलग हो जाना, आइसोलेशन मतलब सभी लोगों से कोई भी संबंध स्थापित ना करना या फिर संबंध स्थापित करना। तो ये कौन सी एज में आ जाता है, जैसे कपल गोल होता है कि भाई क्या वो मुझे प्यार करता है, इस तरीके की भावनाएं आती हैं बच्चे के अंतर्गत जब इस एज ग्रुप में होता है, 18 अबव जब हो जाता है। तो है ना, तो ये इसका मुख्य गुण क्या है भाई, इस अवस्था का वर्च्यू क्या होता है, मेन एम क्या होता है, लव। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टेज नंबर 7 आती है हमारे पास में। अब स्टेज 7 क्या बोलती है एरिक रिक्शन की, इसमें आयु ग्रुप कौन सा आता है, 40 से 65 साल तक के लोग आते हैं, जिसको मध्य वयस्क बोलते हैं। इसका मुख्य प्रश्न होता है, क्या मैं समाज में योगदान दे सकता हूँ। अब वो सारी चीजें जब पूरी हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे द्वारा समाज को कुछ बेनिफिट हो, है ना। तो इसका इस चरण में व्यक्ति समाज, परिवार और भविष्य की जो भी पीढ़ियां आती है उनके प्रति योगदान देने का प्रयास करता है कि भाई अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आने वाली पीढ़ी को मेरे से मदद मिले, मुझे लोग जाने कि हाँ भाई ये चीज इसके द्वारा संपन्न की गई थी है, जिसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। जैसे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ऐसे हुए हैं जिन्होंने जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन ये वाली स्टेज जो पहले ही प्राप्त कर ली है, उन्होंने स्टेज 6 पर वो पहुंचे ही नहीं, कौन सी वाली पे, इंटीमेसी और इंटीमेसी वाली स्टेज पर वर्सेस आइसोलेशन स्टेज पर वो पहुंचे नहीं, उन्होंने स्किप कर दिया इस स्टेज को, डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, वो स्टेज 7 पर पहुंच गए भाई। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, समाज और परिवार और भविष्य की पीढ़ी पर गौर किया था, तभी तो हमें फ्रीडम मिल पाई थी भाई। तो उसमें क्या होता है भाई, उत्पादकता की भावना विकसित हो जाती है, अन्यथा क्या हो जाता है, इस एज में आकर आत्म केंद्रित होकर रह जाता है, केवल अपने आप बारे में ही सोचने की भावना उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति की जो जीवन है उसमें ठहराव आ जाता है। अगर व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच रहा है और उसको सफलतापूर्वक कर पा रहा है तो उसमें उत्पादकता आ जाती है, यानी कि वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, फिर अदरवाइज क्या होगा, वो छोड़ देगा, यार अपने आप को देखो, दुनिया को छोड़ो, फिर वो वाली बात आ जाती है। नेक्स्ट देखो स्टेज 6, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल अडल्टहुड बोलते हैं, 41 से 65 साल की अवस्था होती है, और इसमें इसको क्या बोलते हैं, जेनरेटिव वर्सेज स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन मतलब रुक जाना, ठहराव आ जाना, एक स्टेग्नेशन पॉइंट आ जाता है। जनरेटिव मतलब प्रोग्रेसिव होते रहना, समाज के लिए कार्य करते रहना। तो ये अपने आप से ही व्यक्ति पूछता है कि कैसे मैं इस समाज को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे सहयोग कर सकता हूँ अपने परिवार और अपनी फैमिली के साथ रहते हुए। क्लियर बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन, स्टेज लास्ट स्टेज जो आती है एरिक एरिक्सन की, वो आती है हमारे पास संपूर्णता बनाम निराशा, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। अब इसमें 65 साल और जब तक कि व्यक्ति जीता है, बुजुर्ग अवस्था जिसको हम बोलते हैं, उस अवस्था को एरिक एरिक्सन ने डिफाइन किया है। अब इसमें मुख्य प्रश्न रहता है कि क्या मेरा जीवन सार्थक रहा। भाई जब 65 साल तक आयु के ऊपर के व्यक्ति हो जाते हैं, अब वो अपने पास्ट को देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे जीवन में कार्यकाल में मैंने क्या किया, क्या कुछ मैंने अच्छा किया, क्या मेरा जीवन सार्थक रहा या ऐसे ही निकल गया। तो यह जीवन का अंतिम चरण होता है भाई, जहाँ व्यक्ति अपने पीछे मुड़कर देखता है और उसकी उपलब्धियों और असफलताओं का अपनी कि मूल्यांकन करता है कि क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया। यदि व्यक्ति अपने जीवन पर गर्व होता है तो उसको लगता है कि हाँ भाई मेरा जीवन क्या है, सार्थक हो गया, अन्यथा वो सोचता है कि भैया लाइफ तो चली गई और जीवन में क्या रह गई, निराशा और असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है भाई इस स्टेज में आकर। तो आप देख सकते हो कितनी गहरी बात एरिक एरिक्सन ने बताई है, बिल्कुल जो एक्चुअल ट्रूथ है लाइफ का वो एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में ला के रख दिया है। हर एक स्टेज को बारीकी से उन्होंने ऑब्जर्व किया है और वही चीज लिखी है जो व्यक्ति हमेशा सोचता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे लाइफ लॉन्ग के थ्रू, तो आपको सारी चीजें एरिक एरिक्सन के थ्रू समझ में आएंगी कि दुविधा हमेशा रहती है व्यक्ति के माइंड में। अब देखो इसको क्या, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर स्टेज कौन सी है, 8 है। इसको हम बोलते हैं लेट एडल्टहुड, यानी कि 65 साल से ऊपर की अवस्था। क्या करता है बूढ़ा व्यक्ति, अपने आप को देखता है शीशे में, क्वेश्चन करता है क्या मैंने एक मीनिंगफुल लाइफ जी है, क्या मैंने, मेरी लाइफ का कोई अर्थ था, अगर था तो भाई वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, और नहीं था तो उसे लगता है भैया जीवन बस ऐसे ही निकल गया, पैसे कमाने में निकल गया, पैसे की भाग दौड़ में निकल गया
बाकी हाथ ना आया कुछ भी, ठीक है, देख वो वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं एरिक एरिक्सन की, एक बार उन पर नजर डाल देते हैं। पहले बोलते हैं मनो सामाजिक विकास की एक थ्योरी है एरिक एरिक्सन, क्या करते हैं मनो सामाजिक विकास पर आधारित है जो कि सामाजिक संबंधों और अनुभवों पर केंद्रित है। बिल्कुल सही थ्योरी है भाई, भाई अनुभव एक्सपीरियंस को दिखाया है एरिक एरिक्सन ने अपने हर एक चरण में, मनोसामाजिक विकास के चरण हर एक चरण में। कितने 8 विकासात्मक चरण है, प्रत्येक चरण में मनोसामाजिक संकट होता है जिससे व्यक्ति को सफलता पूर्वक हल करना होता है, ठीक है भाई। जीवन भर का विकास, इन्होंने बताया कि एरिक एरिक्सन का मानना था कि व्यक्तित्व का विकास केवल बचपन तक ही सीमित नहीं होता है, यानी कि बचपन या एडल्टहुड तक ही नहीं रहता बल्कि जीवन भर चलता है। और ये क्या बोलते हैं सकारात्मक परिणाम, प्रत्येक चरण में सफलता पूर्वक संकट का समाधान करने से व्यक्ति में सकारात्मक व्यक्तिगत गुण डेवलप हो जाते हैं जबकि असफलता आने पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इनका कहने का मतलब है कि जब भी आप जिस भी लाइफ की स्टेज में जाएंगे अगर आप उसको पॉजिटिवली देखेंगे तो आप सकारात्मक व्यक्तित्व बनेगा, आपका सकारात्मक विकास होगा, और अगर आपको निराशा हाथ लगी है तो आप नकारात्मक प्रभाव डालेंगी वो सब चीजें आपकी लाइफ में। क्लियर हो गई बात? तो भाई ये थी हमारी एरिक एरिक्सन की थ्योरी जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है जो जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया है एरिक एरिक्सन ने। आई होप आपको जिस माध्यम से मैंने समझाया है, जितनी भी स्टेजेस को मैंने डिस्कस किया स्टेज 1 से लेकर स्टेज 8 तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो भाई ये कमेंट करके जरूर बता दें हाँ सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है थ्योरी, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बार CDP में क्वेश्चन सी टेट उत्तराखंड टेट में यहाँ सर पूछा ही पूछा जाता है। तो भाई इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप PDF बाय कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, PDF आपको ₹299 में आप टेलीग्राम चैनल कनेक्ट कर सकते हैं, वहां सारे सब्जेक्ट के आपको PDF मिल जाएंगे टेट की प्रिपरेशन के लिए, तो मेक श्योर आप जाकर वहां चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।